मैं ये मानने को तैयार हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन मुझे ये बताओ कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। ये पटरी के ऊपर पटरी रख दी गई थी, और एक नहीं तीन पटरियां रखी गई थी, दो बरामद हो गई हैं, तीसरी ढूंढी जा रही थी। इसीलिए मैंने इसकी तुलना शाहीन साजिश और किसान आंदोलन से की। अगर मोदी बन गया तो हाहाकार मच जाएगा, तो वो हाहाकार मचाने का हर हथकंडा वो अपना रहा है। कि जब से ये चुनाव हुआ है उसके बाद से रेलवे में हादसा बहुत हो रहा है, जो लगभग आठ हाँ नौ साल से खत्म हो चुका था। अब अखबारों में छप रहा है रेल जिहाद, आमतौर पर इस तरह से अमर उजाला ब्यूरो छाप रहा है। ये कोई मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार माना जा रहा है, जो बात आपने साल भर पहले मुझे लगता कही थी, रेल हाँ जिहाद छत्तीस पर की फिश प्लेट खोलते पकड़ा गया मुस्लिम युवक। और ये एक दो नहीं, ये बार बार हो रहा है। अब तो मंत्री जी ने भी कह दिया है कि एक तरह से इशारा कर दिया कि एक बड़े षड्यंत्र के तहत ये हो रहा है, पारंपरिक रूप से ये हो रहा है। और जो सदन में उन्होंने कहा था कि खेल हो रहा है, ये देखिए किस स्तर का खेल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि साबरमती एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के बाद रेल मंत्री का बड़ा बयान, ट्रैक पर रखी किसी भारी वस्तु से इंजन टकरा गई जिसके बाद ये हादसा हुआ। ये लगातार यही खेल हो रहा। आपने देखा होगा एक जिहादी ने बनाया था, रील भी बनाया हुआ था। ये बड़ी साजिश लग रही है कि शाहीन साजिश, किसान आंदोलन के बाद अब ये रेल जिहाद। मनीष जी, 20-25 साल पहले हमारे यहाँ कल्याण सिंह ने उसकी शुरुआत की थी, और उसको बड़ा नाचे कूदे थे, जितने कठमुल्ले हैं ये सब नाचे थे। लेकिन कल्याण सिंह ने उस बात को बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने कहा था, मैं ये मानने को तैयार हूँ कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन मुझे ये बताओ कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, ये क्यों, ये मुझे बताओ। और आज वो बात जो है कल्याण सिंह की, वो आज भी प्रासंगिक है। जितने ये पकड़े गए हैं मनीष जी, इस तरह फेस पे प्लेटें खोलते हुए और भारी चीजें रखते हुए, वो सब मुसलमान है, वो सब मुसलमान है। वो केरल में हम लोगों ने बताया था कि वो उसने सिग्नल के तार काट दिए थे, वो मुसलमान। ये जो अभी पकड़ा गया है ये मुसलमान, इससे उड़ीसा पहले वाला, उड़ीसा वाला वो मुसलमान, और ये जाति जिसकी आप बात कर रहे हो कि रख के वो वीडियो बना रहा था बकायदे, वो मुसलमान। और इसमें भी मनीष जी, जो आप कल हमारे यहाँ कानपुर के पास हुई है वो घटना, कि उसमें भी लोहे के मतलब इन्होंने दूसरी तरह लिखा है, लोहे की पटरी, पटरी के ऊपर पटरी रख दी गई थी, और एक नहीं तीन पटरियां रखी गई थी, दो बरामद हो गई है, तीसरी ढूंढी जा रही थी खबर लिखे जाने तक। तो वो पटरी रखने वाला कौन हो सकता है, ये अनुमान आप आराम से लगा सकते हैं। तो ये अगर ये इस पर उतर आए मनीष जी, तो फिर तो घर में घुस के इनके साथ दूसरा कुछ इंतजाम करना पड़ेगा इनका, अन्यथा इस तरह से तो 2 करोड़ आदमी रोज चलता है रेलवे में, कौन पता नहीं कहाँ क्या रख देगा। बिल्कुल। तो ये एक तरह से उसी ढंग का कि यदि बड़ा हादसा हो तो देश में एक आक्रोश हो, और देश में एक मतलब ये इसीलिए मैंने इसकी तुलना शाहीन साजिश और किसान आंदोलन से की कि वो दोनों फेल हुआ, उस दोनों में परिणाम नहीं निपल पाए। तो मोदी को निपटाने के लिए, चूंकि रेलवे इस देश के आम आदमी के सबसे नजदीक है, तो रोज करोड़ों लोग यात्रा करते हैं इसमें, बिल्कुल कि खौफ हमेशा बने रहेगा। और पिछले सात आठ सालों से एकदम से शून्य की तरफ चला गया था, रेलवे दुर्घटना होती नहीं थी। होती नहीं थी, और ये इसके बाद जो है, चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ ज्यादा गति से हो रही है। मतलब अमेरिका से हर हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में या तो पकड़ा जा रहा है या दुर्घटना हो रही है। और इसको जरा मनीष जी, मैं फिर उसी राहुल गांधी की चेतावनी से जोड़ूंगा कि अगर मोदी बन गया तो हाहाकार मच जाएगा, तो वो हाहाकार मचाने का हर हथकंडा वो अपना रहा है, हर हथकंडा वो अपना रहा है। मुझे लग रहा है कि सरकार इसको अब गंभीरता से लेगी, और इन लोगों के ऊपर भी एक मैसेज हो, बुलडोजर कार्रवाई के साथ इनके पूरे लिंक खंगाले जाने चाहिए। ये खेल यहाँ नियंत्रित कहाँ से हो रहा है, ये बहुत जरूरी है कि खेल खतरनाक होता जा रहा है। हाँ।